लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था, वह अंधी बुढ़िया उनसे प्रत्येक दिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, जो तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने मित्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, गणराज यदि आप मुझे मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी काजी की है। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, मैं वैसे ही सबको देना और मन पीछे न छोड़ना, हमको भी देने की कृपा करना। बोलो बोलो तुम्हारा आज।